हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है ये वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर जो आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी कि कॉपी, तो मेरे आई बटन में जाना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि कॉपीराइट कैसे दिया जाता है। अगर जो हमारी वीडियो को यूज़ कर लेता है, कॉपीराइट कैसे दिया जाता है, वो मैंने उसमें कंप्लीट बताया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी ने हमारी वीडियो पे कॉपीराइट दे दिया, अगर जो हम किसी का कॉन्टेंट यूज़ कर लेते हैं अपने वीडियो के अंदर और हमें कॉपीराइट दे दिया उसने, तो वो कैसे रिमूव किया जाता है। तो इस वीडियो में बने रहें एंड तक, मैं कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि कॉपीराइट को रिमूव कैसे किया जाता है। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर कोई दूसरे का कंटेंट यूज़ कर रहा है, तो उसका जब उस पर कॉपीराइट आता है तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लैपटॉप की डिस्प्ले पर। और ये मैं यहाँ पर एक आपको चैनल पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितने सारे कॉपीराइट्स आ रखे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ फिल्टर में और राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट्स क्लेम्स में राइट क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी वीडियो पर यहाँ कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो आज मैं आपको इसको रिमूव करना बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब, अपने कॉपीराइट क्लेम को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कॉपीराइट है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट है, और एक और वीडियो है। तो मैं आपको इसको रिमूव करना बता देता हूँ कि किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर कॉपीराइट पे जैसे हमने क्लिक किया है, और इसके यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, सी डिटेल्स में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, ये देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। और ये आपको देख सकते हैं नो इफेक्टेड, ये जो हमारी वीडियो है हमारे चैनल पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। विजिबिलिटी भी मतलब इन्होंने पब्लिक की हुई है, ठीक है। बस मोनेटाइजेशन इसका ऑफ किया हुआ है, ठीक है। मोनेटाइजेशन मतलब हम इससे कोई अर्निंग नहीं कर सकते। ये आप देख भी सकते हैं वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज, ओके। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक इस पर कॉपीराइट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 12 सेकेंड से लेकर के यार 1 मिनट 39 सेकेंड तक इस पर कॉपीराइट लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका है इसको हटाने का। और सिंपल 3 स्टेप हैं। आप सब सेलेक्ट एक्शन में यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे। ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिम आउट सेगमेंट मतलब जो हमारा ये पोर्शन है 12 मिनट से लेके 1 मिनट 39 सेकंड तक का, इसको हम यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है इसको हटाने का। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, रिप्लेस सॉन्ग। यहाँ पे हम इस सॉन्ग की बजाय दूसरा सॉन्ग भी लगा सकते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपको म्यूट सॉन्ग, 12 सेकंड से लेकर के 1 मिनट 39 सेकंड तक हम इसको म्यूजिक को ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्प्यूट देख सकते हैं, ऑप्शन एक डिस्प्यूट का है। डिस्प्यूट आप जब भी कर सकते हो अगर ये आपका कॉन्टेंट है और किसी ने आपको बेफालतू में इस पर कॉपी राइट दे दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ चैनल ओनर, आप सिलेक्शन से नीचे भी देख सकते हैं कॉपीराइट ओनर जो है UMG है, ऑन हेल्थ ऑन बिहाफ ऑफ गेफेंस UMG, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको हटा करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ सॉन्ग को। तो मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रिप्लेस सॉन्ग में हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी कि कौन सा सॉन्ग आप इसको रिप्लेस करा सकते हो। अभी ये थोड़ा प्रोसेसिंग लग रहा है और रिप्लेस में शायद वो लाइब्रेरी के सॉन्ग्स यहाँ पर कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्ले करके देख लेते हैं। तो मुझे ये सॉन्ग अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से इस पे ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, अगर जो हमें ये पसंद नहीं आ रहा हम यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं ईजिली। तो मैं अगेन दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ आपको, मैं इसको ऐड करके, और अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। इसको सेव कर देते हैं हम यहाँ से,
ठीक है, और यहाँ से भी हम इसको सेव कर देते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है प्रोसेसिंग होने में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको यहाँ से अभी रिप्लेस नहीं किया, थोड़ा समय लगता है इसका प्रोसेसिंग में। इसको हम यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं, और अभी प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग चली हुई है, ठीक है, और वन फंड भी लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा आई थिंक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।